हेलो एवरीवन, आज से सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के क्लासेस शुरू हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि यह सीरीज आपको अच्छी लगेगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोज आपसे मिस ना हो सके। सांख्यिकी की यह सीरीज आपको प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को शाम 8 बजे मिला करेगी। आज हम लोग सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझेंगे। इस चैनल पर आपको ये वीडियोज मिल जाएंगे। इतिहास प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को, सांख्यिकी जो कि आज से शुरू हो रही है प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को, समसामयिक चर्चा सिविल सर्विसेज मेंस के लिए प्रत्येक बुधवार और शनिवार को किसी विषय पर होगी, और करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार को प्रीलिम्स स्पेसिफिक आई रही है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सांख्यिकी है क्या, सांख्यिकी किसको कहते हैं हम। तो सांख्यिकी एक गणित की शाखा है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, डेटा कलेक्शन यानी आंकड़ों का संकलन या संग्रह आता है। फिर उसी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, व्यवस्थापन करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, और फिर व्याख्या करते हैं यानी इंटरप्रिटेशन करते हैं, और उसको फिर प्रेजेंटेशन करते हैं। तो सभी को हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं कि ये है क्या। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आंकड़ा किसको कहते हैं, डेटा किसको कहते हैं। तो डेटा या आंकड़ा एक प्रकार की जानकारी या इन्फॉर्मेशन होती है। ये मात्रात्मक भी होती है यानी क्वांटिटेटिव भी होती है, और गुणात्मक भी होती है यानी क्वालिटेटिव भी होती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। गौरव एक स्टूडेंट है, उसने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भाग लिया था और उसका रिजल्ट्स आ गया है। उसको इन इन विषयों में इतने नंबर आए हैं, हिंदी में 70 आए हैं, अंग्रेजी में 85 आए हैं, गणित में 95 आया है, विज्ञान में 90 आया है, और सामाजिक विज्ञान में 60 नंबर आया है। तो ये जो विषय का नाम आपको दिख रहा है, ये विषय क्या है, ये है आपका गुणात्मक वाला पक्ष, ठीक है। इसमें कोई नंबर नहीं रहता है। और ये जो आपको अंक दिख रहे हैं, ये अंक मात्रात्मक को शो करता है यानी क्वांटिटेटिव को शो करता है। तो डेटा में मात्रा भी है और गुणात्मकता भी है, दोनों चीजें हैं। आइए अब देखते हैं आंकड़ों का संकलन यानी डेटा कलेक्शन क्या होता है। डेटा को तो हम लोग समझ गए, ये हमारे चारों तरफ है। हम डे टू डे लाइफ में इसको देखते हैं, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जैसे सब्जी की दरें, रेट्स ऑफ वेजिटेबल जानते हैं कि आलू का क्या रेट है, प्याज का क्या रेट है। दैनिक तापमान हम देखते हैं, डेली टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, गर्मी के सीजन में बढ़ जाता है, ठंडी के मौसम में कम हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कभी सोचते हैं कि 5 घंटे पढ़ाई हुई, कल 8 घंटे पढ़ाई हुई थी, इस तरह से। परीक्षा में मार्क्स आता है, दैनिक आय और व्यय होता है, डेली इनकम और एक्सपेंस जिसको कह सकते हैं हम लोग। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग डेटा का सामना करते हैं। उसके बाद आप व्यापार को ले लीजिए, व्यापार में कर्मचारियों की संख्या होती है यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होती है। उपभोक्ताओं की संख्या होती है यानी नंबर ऑफ कंज्यूमर या कस्टमर होते हैं। बाजार में प्रतियोगियों की संख्या होती है यानी कंपटीटर्स होते हैं मार्केट में, जैसे दुकान है तो बहुत सारे दुकान हैं। कंपनी का टर्नओवर होता है, फिर उसके बाद टर्नओवर से उसको मुनाफा होता है यानी प्रॉफिट कमाते हैं वो। पॉलिटिक्स की चर्चा करें तो राजनीतिक दलों की संख्या होती है, नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कुछ स्टेट लेवल की होती है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या होती है, जैसे कि भारत में लोकसभा सीटों की संख्या या किसी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या होती है। फिर मतदाताओं की संख्या होती है, नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं। इसमें भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कास्ट वाइज डेटा को देखती है, हालांकि ये नेगेटिव चीज़ है, लेकिन कास्ट वाइज डेटा को भी वो देखती है कि इस जाति के इतने मतदाता हैं, उस हिसाब से वो रणनीति बनाती है। खेल में देखते हैं हम लोग, खेल में टीम्स की संख्या होती है, जैसे वर्ल्ड कप होने वाला है तो कभी 12 टीम खेलती है, कभी 14 टीम खेलती है, तो कभी 16 टीम भी खेलती है। उसके बाद खिलाड़ियों की संख्या होती है, एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, है ना, दो टीमों का स्कोर कितना होता है, फिर जीत का अंतर कितना होता है। दो टीम खेल रही है तो एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, उसका जीत का कितना मार्जिन रहता है। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं, डेटा का सामना करते हैं। फिर प्रतियोगी परीक्षा होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हैं, कितने सीट हैं जॉब के लिए। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट उसमें होते हैं, कितने कैंडिडेट उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और कितने कैंडिडेट उसमें एग्जाम देते हैं। फिर कुछ कैंडिडेट्स को मेन के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है, कई कैंडिडेट जो हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं, और कट ऑफ मार्क्स भी होता है। तो ये सब क्या है, ये डेटा है। इसमें देख रहे हैं कुछ गुणात्मक चीज़ें भी है यानी कुछ क्वालिटेटिव चीज़ें भी हैं, और कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स भी होते हैं। तो यही है डेटा कलेक्शन, और हम लोग डे टू डे लाइफ में इसका सामना करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है यानी उसका व्यवस्थापन कैसे किया जाता है। तो जो एग्जांपल हमने लिया था, गौरव ने 10वीं की परीक्षा दी है और उसके रिजल्ट्स आए हैं, तो ये फिगर हम ऑलरेडी देख चुके थे। तो यहां तक तो डेटा हो गया।
अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल जोड़ लेंगे। टोटल जोड़ लिए तो इसका टोटल आ गया है 400 और फुल मार्क्स कितने थे सभी में, 100-100 का पूर्णांक था, ये तो प्राप्तांक है, 100-100 नंबर का था फुल मार्क्स, तो 500 फुल मार्क्स था, उसमें से कितना मार्क्स आया इसको 400, तो परसेंटेज निकाल लेंगे तो 80% आया, यानी इसको फर्स्ट डिवीजन आया है मार्क्स। तो ये हो गया डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ये डेटा था उसको हम लोग क्या कर लिए, ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित कर लिए। अब आगे देखते हैं डेटा का हम लोग विश्लेषण करेंगे यानी एनालिसिस करेंगे। विश्लेषण करके हम कुछ जानकारी उसी डेटाबेस से इकट्ठा करते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया था ऑलरेडी, यहां तक है ना, परसेंटेज और डिवीजन तक आ गया था। अब हम लोग क्या करेंगे एनालिसिस में, एक एग्जांपल है, एनालिसिस अलग अलग तरीके से होता है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। चूंकि फुल मार्क्स 100 था, 70 आए हैं, तो इसको 70% मार्क्स आए हैं हिंदी में, अंग्रेजी में 85% मार्क्स आया है, गणित में 95% मार्क्स आया है, विज्ञान में 90% मार्क्स आया है और सामाजिक विज्ञान में 60% मार्क्स आया है। उसके बाद और थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि हाईएस्ट मार्क्स जो आया है वो किस में आया है, मैथमेटिक्स में आया है, यहाँ पर मैथमेटिक्स में आया है क्योंकि 95 नंबर आया है, 95% आया है। और टॉप थ्री सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा नंबर आए हैं तो कौन कौन विषय है, वो पहले नंबर पर मैथ है, दूसरे नंबर पर साइंस है, उसके बाद फिर इंग्लिश है, और सबसे कम नंबर किस में आए हैं, लोएस्ट मार्क्स कौन सा है, तो सोशल साइंस ऐसा विषय है जिसमें सबसे कम मार्क्स आए हैं, 60% ही मार्क्स आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब डेटा को हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, उसका व्याख्या करेंगे हम लोग, उसी डेटाबेस का हम लोग फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं, और अब हम लोग क्या करेंगे रिजल्ट यानी डिसीजन पर पहुंचने वाले हैं। तो अब जो मेन डेटा था उसको हम लोग साइडलाइन कर लिए, कुछ डेटा को रखते हैं, जैसे कि हाईएस्ट मार्क्स किस में हमने देखा था कि मैथमेटिक्स में हाईएस्ट था, टॉप थ्री सब्जेक्ट्स भी हम लोग देख चुके हैं और सबसे लोएस्ट मार्क्स भी हम लोग देख चुके हैं। इससे क्या हम लोग मतलब निकाल सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया है वो मैथ और साइंस है, क्योंकि दोनों में 95% और 90% अंक आए हैं। लैंग्वेज की बात करें तो दो लैंग्वेज का परीक्षा हुआ था, एक हिंदी और इंग्लिश, तो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हमारा क्या है यानी गौरव का क्या है, इंग्लिश है। हिंदी में उसको कम नंबर आए हैं, इंग्लिश उसका स्ट्रांग है भाषा के रूप में देखा जाए तो। अच्छा, यदि उसको इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है अब तो कौन सा विषय वो चुने, क्या वो सोशल साइंस चुने, बिल्कुल नहीं, सोशल साइंस में तो लोवेस्ट मार्क्स है उसको, हाईएस्ट मार्क्स किस में आया है, मैथमेटिक्स में आया है, उसके बाद फिर टॉप थ्री सब्जेक्ट देखें तो मैथ साइंस और इंग्लिश। तो क्या करेगा वो डिसीजन लेगा कि इंटरमीडिएट में हमको क्या करना चाहिए, साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए क्योंकि ये हमारा स्ट्रांगेस्ट एरिया है, तो साइंस स्ट्रीम लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश चुनेंगे हम लोग, ठीक है। तो और कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है आगे, इंटरमीडिएट में साइंस लेंगे तो क्या क्या कैरियर हो सकते हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर में जा सकते हैं, जी की तैयारी कर सकते हैं, मैथ और साइंस के टीचर बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं साइंस और मैथ में, एनडीए के एग्जाम दे सकते हैं, बैंक पीओ के एग्जाम दे सकते हैं, इसी प्रकार से और भी करियर ऑप्शन जो साइंस और मैथ से रिलेटेड है खुल जाते हैं। मीडियम ऑफ फर्दर स्टडीज क्या होना चाहिए यानी किस माध्यम से इसको पढ़ाई करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उसको इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। तो हमने देखा कि उसी डेटाबेस को इस्तेमाल करके हम लोग डेटा को क्या किए, ऑर्गेनाइज भी किए, एनालाइज भी किए और इंटरप्रेट भी किए। अब आते हैं डेटा को प्रेजेंट करने, तो देखिए डेटा को प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके, हम लोग तीन तरीकों की एक झलक देखेंगे जिसका डिटेल कि ये कैसे बना हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सबसे पहला तरीका है बार डायग्राम, तो उसी डेटाबेस को हमने लिया हुआ है, फुल मार्क्स सभी में 100 था, ये देखिए ये जो ये इस कलर का जो दिख रहा है ब्लू कलर का और थोड़ा लाइट ब्लू है वो है ऑब्टेंड मार्क्स, किस विषय में उसको कितना नंबर आया, 100 में से कितना नंबर आया है, इस तरह से बार डायग्राम से भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। उसी डेटाबेस का इस्तेमाल करके एक पाई चार्ट का निर्माण किया गया है जिसमें यहाँ विषय है और किस विषय में कितना परसेंट मार्क्स आया उसको पाई चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। ये कैसे दिखाया जाएगा हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद एक तरीका है प्रेजेंटेशन का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक अलग डेटाबेस लिया गया है जिसमें कि तीन सर्विस प्रोवाइडर हैं, आइडिया वोडा अभी मर्जर हो गया है, एयरटेल और जियो। उसके बाद हमने तीन वेरिएबल और लिए हुए, सर्फिंग का यानी जो नेट हम सर्व करते हैं उसका स्पीड, अपलोडिंग का स्पीड जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, और डाउनलोडिंग कोई चीज़ हम डाउनलोड करते हैं सॉन्ग वगैरह तो उसकी डाउनलोडिंग स्पीड। तो ये तीन वेरिएबल यहाँ लिया हुआ है और तीन वेरिएबल यहाँ लिया हुआ है, और इससे हम लोग क्या किए हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक चार्ट बनाया है। इससे कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं ये हम लोग आगे आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे।
अब परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न रहते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो पहले प्रकार का प्रश्न ये हो सकता है कि डेटा दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा तो क्या निकालना पड़ेगा, टैली मार्क्स, बार डायग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम, इसी प्रकार से आपको चार्ट बनाने के लिए या टैली बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए दिया जा सकता है। दूसरे प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि चार्ट दिया हुआ हो, उसमें से आपको निकालने के लिए कहा जाए परसेंटेज निकालिए, एवरेज निकालिए, प्रॉफिट या लॉस निकालिए। तीसरे प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि डेटा दिया हुआ रहेगा, उसमें कहेगा आपको रेंज निकालिए, फ्रीक्वेंसी निकालिए, मीन निकालिए, मोड निकालिए, मीडियन निकालिए। और एक यूपीएससी और स्टेट पीएससी में मेन एग्जाम में स्पेशल प्रश्न रहता है, चार्ट दिया रहेगा या पाई चार्ट रहे, बार डायग्राम रहे या हिस्टोग्राम रहे, और वो दो तीन वेरिएबल उसमें रहेगा और चार्ट भी मिक्स टाइप का रहेगा, एक बार डायग्राम भी रहेगा उसी डेटा का, उसी डेटा का पाई चार्ट भी रहेगा। और फिर आपको कंपैरिजन करने के लिए दिया जाएगा, आप उसका रिलेटिव परसेंटेज निकालिए किसी भी डेटा का, एवरेज निकालिए, प्रॉफिट लॉस निकालिए, पॉपुलेशन निकालिए, इकोनॉमिक वेरिएबल कुछ दिया जाएगा, डिमांड सप्लाई का वो निकालिए। तो हम लोग बेसिक को समझने के बाद सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे और धीरे धीरे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और स्टेटिक्स में हम लोग पूरा कमांड कर लेंगे। अगले भाग में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्लास को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, टैली मार्क क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फिर कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रेंज, ये रेंज कैसे निकाला जाता है किसी डेटा का, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मेडियन क्या है, मीन क्या है और मोड क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, इसी प्रकार से कुछ और बेसिक टर्म्स को समझेंगे। टिल देन टेक ए गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।